सत श्री अकाल सारिआं नूं एंड वेलकम बैक टू नूरवी क्रिएशन। ये जो लुक है ये हमने 4 to 5 आइटम्स के साथ क्रिएट की है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लुक हमने कैसे क्रिएट की है और हमने कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ किए हैं, तो आप पूरी वीडियो देख के ही जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप चाहें तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दिस लुक इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली। और अगर आपके पास बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं तब भी आप ऐसा लुक बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। सीटीएम करने के बाद जो हम फर्स्ट प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो है प्राइमर। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इससे जो हमारे पोर्स हैं वो बहुत अच्छे से ब्लॉक हो जाते हैं और हमारा फेस नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होती है फाउंडेशन। दिस इज़ वेरी बेसिक स्टेप जो फाउंडेशन वाला है, और अच्छी तरह से हम उसको अपने फेस के ऊपर लगाने के बाद उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने फेस के ऊपर डैब डैब कर रहे हैं, सो दैट जो हमारा बेस है वो बहुत अच्छा सा क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो हमारा मेन हथियार है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, दैट इज़ आई शेडो पैलेट्स। और यहाँ पे मैं 2 टाइप की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एक तो है हेटेड विद लव, जो आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखी होगी, और दूसरी पैलेट है इम्प्रेस्ड यू। ये दोनों पैलेट्स हम यूज़ करके जो ये फुल लुक है वो क्रिएट करने वाले हैं। हम बस इन जो पैलेट्स में कलर्स हैं इनकी हेल्प से एक लुक क्रिएट करेंगे, और सारे की सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि हाइलाइटर, ब्लशर, कॉन्टोरिंग, सब हम जो आई शेडो के पिगमेंट्स हैं इनके साथ करेंगे। ऑब्वियसली जो चीज़ आप आइज़ पे यूज़ कर सकते हैं वो फेस पे आराम से यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द कलर दैट वी आर टेकिंग फॉर द कॉन्टोरिंग। जैसे हम नॉर्मल मेकअप करते हैं हमने सारे स्टेप वही फॉलो करने हैं। कॉन्टोरिंग के लिए सबसे पहले मैंने जो ब्राइट ब्राउन शेड है वो पिक किया है। फाउंडेशन के बाद अपने फेस को कर्व्स देने के लिए हमें ब्रॉन्जर की ज़रूरत है, स्पेशली टू द गर्ल्स जो बहुत चबी हैं फेस से। ये एक शेडो क्रिएट करेगा आपके चीक्स के ऊपर, जिससे आपका जो फेस है थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लगेगा। और उसके बाद हम ये कलर पिक कर रहे हैं फॉर द ब्लश। यू कैन पिक एनी पिंक कलर। और उसके बाद टर्न आती है हाइलाइटर की। फॉर हाइलाइटर ये स्नो वाइट कलर था पैलेट में, ये हम पिक करेंगे, और ये बहुत अच्छी शाइन दे रहा था फेस के ऊपर। यू कैन सी एक ही स्वाइप के साथ जो एप्लीकेशन है बहुत ही नीट एंड क्लीन आई और बहुत अच्छा हाइलाइटर क्रिएट हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फिल आर आईब्रोज, और उसके लिए मैं ये 2 ब्राउन कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप मिक्स मैच कर सकते हैं दोनों को, और इनको एक फ्लैट ब्रश के साथ जो कि बहुत ही पतला है उसके साथ हम जो अपनी आईब्रोज हैं उसको फिल कर लेंगे। अगर आप एक बिगनर हैं और आपके पास अगर ये छोटा छोटा सामान जो कि बहुत महंगा महंगा सामान है वो नहीं है, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है पैसे बचाने का, स्टिल जो आप फुल लुक है इसके साथ अचीव कर सकते हैं, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। फटाफट से हम दूसरी अपनी जो आईब्रो है उसको भी फिल कर लेंगे, एंड दिस इज़ वेरी इजी मेथड ऑफ फिलिंग योर आईब्रोज एंड वेरी गुड हैक टू। ये जो आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने 2 यूज़ की हैं। आपके पास जो भी आई पैलेट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आई शेडो हेटेड विद लव है इसका रिव्यू मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है एंड इट कॉस्ट मी ओनली 430 रुपीज और सो, और वॉट एल्स डू यू नीड इफ़ यू आर अ बिगनर। और उसके बाद हम अपनी आईज़ को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक बहुत बेसिक कलर लिया था जिससे मैंने क्रिएट किया है अपना बेस, और उसके बाद ये जो ब्राउन कलर्स हैं आप इनको पिक करेंगे और अपना जो क्रीज है उसको बिल्ड करेंगे। हम लाइटर शेड से डार्कर शेड में जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ ब्राउन स्मोकी आईज़ और आपके आई स्पेस के अकॉर्डिंग आप 4 to 5 to 6 to 7 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो आई का स्पेस है उसके अकॉर्डिंग 4 कलर्स और 5 कलर्स आर गुड टू गो। सो मैंने यहाँ पे 4 शेड्स लिए हैं डिफरेंट, और जो आई लिड के ऊपर शेड लिया है वो ये है। इन 2 ब्राउन कलर्स को मैंने मिक्स किया है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर कहीं दिन में जा रहे हैं तो आप लाइट म्यूट शेड अगर करना है तो ब्राउन्स में जा सकते हैं। अगर आपका नाइट फंक्शन है वहाँ जाना है तो आप अपने कलर्स को थोड़ा सा और ब्राइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना इंटेंस चाहिए और आप किस मौके पे उसको करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम जितना भी जो फॉल आउट है आईज़ के नीचे उसको क्लीन करेंगे, सो दैट जो हमारा नीचे वाला बेस है हम उसको भी बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट फॉर द आईलाइनर लुक हम ये 2 जो ब्लैक कलर्स हैं इनको मिक्स कर रहे हैं।
इसके साथ हम लाइनर लुक भी क्रिएट करेंगे, विंग भी क्रिएट करेंगे, जो हमारी लोअर लैश है उसके ऊपर भी हम यही कलर यूज़ करेंगे और वाटर लाइन के ऊपर भी हम यही यूज़ करेंगे एज अ काजल। ये जो लुक है ना, ये टोटली डिपेंड करेगी कि जो आपकी आई शेडो पैलेट है वो कितनी अच्छी है और उसमें कितने कलर्स हैं। अगर आपके पास एक पैलेट, जैसे मेरे पास ये हेटेड विद लव है, ये अगर आपके पास एक भी पैलेट है तो आप बहुत सारे जो कलरफुल लुक्स हैं इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यूड शेड्स हैं तो आप न्यूड्स में काम कर सकते हैं। जो ब्लैक कलर है इसको हम थोड़ा इंटेंस आउट कर सकते थे और हम मर्ज कर सकते थे फॉर अ स्मोकी लुक, बट मैंने इसको एज अ लाइनर क्रिएट किया है और ये लुक बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर लास्ट में आप इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे डालेंगे ना, तो ये लुक आपका कहीं नहीं हिलेगा। और ये पाउडर प्रोडक्ट्स हैं, जिन लोगों का जो फेस है वो बहुत ऑयली रहता है, ये उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेट्स काउंट कि अब तक हमने कितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। सबसे पहले प्राइमर, फाउंडेशन और थर्ड प्रोडक्ट हमारा जो ये शेडो है, ये ही चल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा जो आईज़ के ऊपर आए, तो लव हाइलाइटर, सेम जो हाइलाइटर मैंने अपनी चीक्स के ऊपर यूज़ किया था, उसी के साथ मैं अपनी आईज़ के ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ और नोज़ के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, अपने लिप्स के ऊपर, जो हमारे हाई पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, सब के ऊपर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। आप कोई भी लुक क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अपना जो बेस है हमने बहुत अच्छे से क्रिएट करना है, उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई थी कि विंटर्स में हम अपना बेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि CTM इज मैंडेटरी और लिप्स को स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोबारा से मैं अपना जो स्क्रब है उसको लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे जो लिप्स हैं वो अभी बचे हुए हैं, इनको हम अभी किसके साथ लगाएंगे। हम यहाँ पे भी लिपस्टिक यूज़ नहीं करेंगे। हमने एक शेडो का कलर उठाया और हमने अपनी लिप्स के ऊपर वही जो कलर है हम लगा लेंगे। ये पाउडर जो शेडो था, ये बहुत मस्त और स्मूथ एप्लीकेशन दे रहा था आपके लिप्स के ऊपर। एप्लीकेशन आई मस्ट से इज़ वेरी इजी और आप कोई भी कलर उठा के अपने लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिपस्टिक्स की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ परफेक्ट हैक और मुझे बहुत ही स्मूथ लगा और जो लिप्स हैं ना बहुत ही स्मूथ थे। बट इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जैसे कि आजकल की जो प्रेजेंट लिपस्टिक्स हैं उनकी है। यहाँ पर मैंने वैसलीन की एक डॉट के साथ बिंदी भी लगाई, सेम कलर की जिसकी लिपस्टिक थी, बट मुझे जो वो लुक है वो इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने थोड़ी देर बाद उसको रिमूव कर दिया। मीनवाइल आई थॉट कि थोड़ी सी अपने चिन को भी शेप देनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने जो वो ब्राउन कलर जो एज अ कॉन्टोर मैंने अपने फेस पे लगाया था, तो वही थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके मैंने थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है अपनी चिन को। यू कैन सी द डिफरेंस वेरी क्लियरली, द फेस इज़ नाउ वेल डिफाइंड। और जो हमने लास्ट स्टेप किया, हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट, जो लास्ट प्रोडक्ट हमने लगाया वो था मस्कारा। विदाउट मस्कारा द आई लुक इज़ जस्ट इनकम्प्लीट। सो फाइनली विद 5 प्रोडक्ट्स, दैट इज नंबर 1 इज प्राइमर, देन फाउंडेशन, देन हमारा मेन हीरो ऑफ द मेकअप इज आई शेडो पैलेट जो हमने यूज़ किए हैं, फोर्थ प्रोडक्ट जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ मस्कारा, और फिफ्थ प्रोडक्ट जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं टू सेट योर मेकअप इज योर मेकअप स्प्रे। इसके साथ जो आपका मेकअप है वो पूरा इंटैक्ट रहेगा। ऑल दो आई वॉज नॉट हैप्पी विद द एप्लीकेशन ऑफ द लिपस्टिक बिकॉज ये बहुत लॉन्ग स्टे नहीं है, बट ओवरऑल आई लाइक द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड विद जस्ट अ आई शेडो पैलेट। और फॉर द बिगनर्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, If you invest in good eye palette or brushes, तो आपका जो बहुत सारा काम है वो easy हो जाएगा और you can achieve a flawless makeup. And if you like the video, please hit like and share it with your friends and do comment for any type of question. Till the next video, ta-da!